सुबह से ही कांग्रेस सरकार के एक मित्र जिनके पास कैबिनेट रैंक है उनका एक स्नाइपेड शॉट वीडियो वायरल हो रहा है। एक मीडिया कर्मी के साथ मुख्यमंत्री के मीडिया प्रधान सलाहकार जिनके पास कैबिनेट रैंक भी है वो उनके साथ किस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं, उनको अपने कमरे से बाहर धकेलने का प्रयास कर रहे हैं। आज सुबह से ही कांग्रेस सरकार के एक मित्र जिनके पास कैबिनेट रैंक है उनका एक स्नाइपेड शॉट वीडियो वायरल हो रहा है और उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से सरकार की छटपटाहट उनके कैबिनेट मित्र तक भी पहुंच गई है। हाल ही में कोर्ट का एक डिसीजन आया था जिसमें HPTDC के 18 होटलों को बंद करने का दिशा निर्देश दे दिया गया और इन्हीं 18 होटलों को व्हाइट एलिफेंट सफेद हाथी करार दिया गया। अब मीडिया जगत के लोगों में जनता की आवाज को पूछने का भी प्रतिबंध लग रहा है इस कांग्रेस सरकार में। आप देखिए कि किस प्रकार से एक मीडिया कर्मी के साथ मुख्यमंत्री के मीडिया प्रधान सलाहकार जिनके पास कैबिनेट रैंक भी है वो उनके साथ किस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं, उनको अपने कमरे से बाहर धकेलने का प्रयास कर रहे हैं, किस प्रकार से मीडिया की आवाज को दबाने का प्रयास हो रहा है। लगातार एक ही प्रश्न वो मीडिया कर्मी पूछ रहा है कि क्या ये होटल बंद होंगे, क्योंकि HPTDC में जो याचिका लगी है उसकी सुनवाई 3 तारीख को है, तो क्या ये प्रश्न गलत है। मैं जनता की आवाज बनकर पूछ रहा हूं मीडिया सलाहकार जी, क्या ये प्रश्न गलत है? ये प्रश्न सही है, क्योंकि होटल बंद हो जाएंगे तो वहां के कर्मी कहां जाएंगे, वो अपनी सैलरी के बारे में चिंतित होंगे। पर आपने क्या किया, आपने उनको बोला अरे ये कैमरा बंद कीजिए, ये माइक बंद कीजिए, ये कोई व्यवहार है, आप यहां से कमरे से बाहर निकल जाइए। आप इतना ज्यादा जो है उत्तेजित हो गए कि आप अपना आपा ही खो बैठे और आपको लगता है कि मुख्यमंत्री कार्यालय की आप आवाज हैं, कि मुख्यमंत्री ने आपको स्वीकृत कर रखा है कि पार्टी अफेयर्स और सरकार के अफेयर्स के ऊपर आप बोलेंगे, ये आपका व्यवहार है। कांग्रेस ने हमेशा मीडिया की आवाज को दबाने का प्रयास किया है, लगातार मीडिया के ऊपर जो है एक प्रश्न चिन्ह खड़े का करने का प्रयास किया है, उनकी आवाज को अनेकों प्रकार से दबाने का प्रयास किया है। हमारे मुख्य प्रवक्ता एवं मीडिया प्रभारी जो हमारे विभाग के हैं रणधीर शर्मा जी ने भी एक प्रश्न लगाया था विधानसभा में, उसमें मुख्यमंत्री के ऊपर उन्होंने प्रश्न लगाया था कि मीडिया की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, उसके ऊपर भी आपका कोई दबाव नहीं था। अगर कोई मीडिया कर्मी सरकार से कोई पैना प्रश्न पूछ ले और जनता की आवाज और प्रश्न पूछ ले तो आपको तकलीफ हो जाती है। अगर एक खबर जो है अखबार में सरकार के खिलाफ प्रेषित की जाती है तो उनके संपादकों को कॉल किया जाता है और उनको बोला जाता है ये क्यों हो रहा है। स्वतंत्र मीडिया कहाँ रह गया, मीडिया वालों का तो हम हाथ जोड़ के नमन करते हैं कि आप इस देश के जो है चौथे स्तंभ हैं। अगर आप ना होते तो जनता की आवाज़ ना नेताओं तक पहुँचती और ना नेताओं का संवाद जनता से हो पाता, नेताओं को घर घर जाना पड़ता। हम आप सबका जो है वो धन्यवाद करते हैं कि अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं और पैने प्रश्न तो किसी भी पार्टी को आ सकते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, BJP हो, CPIM हो या किसी और प्रकार का दल हो, तो उसको रोका नहीं जाना चाहता। प्रश्न का जवाब सबको देना चाहिए और मीडिया सलाहकार जी ने जिस प्रकार का व्यवहार मीडिया कर्मियों के साथ किया है उनको माफी मांगनी चाहिए। अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।